Hi, I'm Mary Kom. You're watching Expo India. नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में इनकम टैक्स जांच का रास्ता साफ कर दिया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। इस मामले में गांधी परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। विभाग सोनिया और राहुल से भी पूछताछ कर सकता है। आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी जिसने नेशनल हेराल्ड की पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को टेक ओवर किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा, जिसके बाद एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए वसूलने का अधिकार ले लिया। स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। पटियाला हाउस अदालत ने इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ जांच का आदेश दिया था, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।